नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ अलग टिफिन के लिए ब्रेकफास्ट। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए टिफिन के लिए कुछ अलग सा ब्रेकफास्ट, तो कि बच्चे खुश हो जाए देख के। कुछ नया नया बच्चों को रोज़ खाना खा कर के भी बोर हो जाते हैं। वैसे मैं रोज़ खाना देती नहीं हूँ उनको, कुछ रोज़ नया नया कुछ बना के देती रहती हूँ। ये देखिए मेरा मंदिर कैसे चम 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 चमक रहा है। और अभी बज रहा है 5:30। आप लोग सोच रहे होंगे धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। रुकिए दिखाती हूँ, अभी दिन भी नहीं हुआ है क्या? अभी दिन भी नहीं हुआ है, अभी 5:30 बज रहे हैं। यहाँ पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन मैं उठ गई क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है। मेरा भी ऑफिस रहता है, तो लेकिन आज मेरा वीक ऑफ है, मेरा थर्सडे फ्राइडे वीक ऑफ है, तो इसलिए मैं तो भी जल्दी उठ गई क्योंकि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा तो फ्री हो जाऊंगी मैं भी। तो देखिए अभी कितना चमक रहा है, पूरा लाइट लाइट। तो अभी दिन भी नहीं हुआ है, पूरा देखिए पूरा चम 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 चमक रहा है। मैंने रख दिया है आलू को उबलने के लिए। उबल 2-3 सीटी का लगा देंगे कम से कम, ताकि अच्छे से आलू पक जाए। 3 से 4 सीटी लगाऊंगी, आलू जल्दी हो जाता है ये कुकर में। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में, देखिए मैं क्या बनाती हूँ, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। मेरा आलू अच्छे से उबल गया है, मैंने अच्छे से छील भी लिया है। यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा अदरक है और 2 मिर्च है, क्योंकि और थोड़ा मिर्च मैं काट के भी डालूंगी, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो बच्चे खाएंगे नहीं। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, कच्चा ही जीरा डालना है हमको। और इसको अच्छे से कोट लेते हैं इसको। यहाँ को अच्छे से इसको एकदम बारीक कर लेना है, थोड़ा भी इसमें खड़ा खड़ा आलू नहीं रहना चाहिए। और इसमें मैंने अदरक जीरा मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल दिया। अब डालूंगी इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, मैं थोड़ा सा गरम मसाला, नमक। यहाँ पे लिया है मैंने 5 ब्रेड और इसको अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। इसको मैंने तोड़ लिया है। अरे हाँ, हमारा ब्रेड का देखिए बुरादा बन के तैयार हो गया है। और इसमें अब थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा इसको बचा के रखेंगे, आगे भी हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी इसको हम अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ मैं मिक्स कर लिया आलू अच्छे से। यहाँ मैंने ब्रेड लिया है और ब्रेड को मैंने चारों तरफ से कट कर दिया है। और अब इसको भिजा देते हैं पानी में। इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे।
लिया है मैंने ब्रेड, और ब्रेड को थोड़ा थोड़ा पानी से कर लेते हैं। ब्रेड को आलू में मेरा बन के तैयार हो गया है। यहाँ कढ़ाई भी मेरी गर्म हो चुकी है और अब इसको हम ये जो हमने ब्रेड रखा था उसमें लगा लेंगे। सबको फ्राई कर देते हैं। ना अच्छा कलर आया है, और जल्दी जल्दी इसको पलटते रहना है नहीं तो जल जाएगा नीचे से। और धीमी आंच पे इसको बनाना है, गैस स्लो करना है। ये वाला तो भी थोड़ा सा लाल हो गया ज़्यादा। बनके तैयार हो गया मेरा एकदम लाल लाल, हाँ मस्त लग रहा है। तो यहाँ मेरा बनके तैयार हो गया है, देखिए कितना कुरकुरा हुआ है। ऊपर से एकदम कुरकुरा है, अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। और थोड़ा सा मैंने गोला गोला वाला भी बना दिया है बच्चों के लिए, थोड़ा डिज़ाइन डिज़ाइन का रहेगा तो अच्छा लगेगा उनको। और इसको खाएंगे ये लोग सॉस के साथ में। बच्चों का टिफिन हो गया तैयार। ये देखिए जान लगा दिया है पूरा काटने के लिए, पूरा टेबल तो काट लिया है। बुबू बस बेटा आ जा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसी लगी मेरी रेसिपी आप लोग को? और आज कुछ नया बनाया मैंने अपने बच्चों के लिए, क्योंकि रोज बोर हो जाते थे। प्रजु आज का लंच अच्छा था? अच्छा था ना? ईशा को भी बहुत पसंद आया, बोल रही मम्मी मेरी फ्रेंड लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, सब लोग खाए अच्छे से, सबको बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया। तो कुछ कुछ बनाती रहती हूँ मैं ऐसे इन लोग के लिए नया नया। एक एक अच्छा था, खाने में भी अच्छा लगा थोड़ा, और बच्चों का टेस्ट भी थोड़ा उनको चाहिए रहता है ना, कुछ कुछ टेस्ट टेस्ट रोज़ रोज़ कुछ, ये आज मम्मी ये बनाओ वो बनाओ, तो कुछ कुछ बनाती रहती हूँ मैं इन लोग के लिए। और यहाँ मेरा बुबू शैतानी कर रहा है, पूरा टेबल काट दे रहा है।